दोस्तों, पाकिस्तान में अंधेर नगरी और चौपट राज की एक नई मिसाल कायम हो चुकी है। कायदाबाद जिला खुशाब में नेशनल बैंक के गार्ड ने जाति झगड़े की वजह से बैंक मैनेजर इमरान हनीफ को गोली मारकर हलाक कर दिया और गार्ड ने खुद की जान बचाने के लिए मकतूल बैंक मैनेजर पर इल्जाम लगा दिया कि मकतूल मैनेजर कादियानी है और इसने नबी पाक की गुस्ताखी की है। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई तो इन ला इल्म पाकिस्तानियों ने गार्ड को पुलिस से छुड़वा लिया और इसे जुलूस की सूरत में थाने लेकर गए। इस दौरान कातिल उछल उछल कर खत्म नबूवत के नारे लगाता रहा और लोग इसका मुंह चूमते रहे और इसे गाजी गाजी पुकारते रहे। यानी इन्होंने इस कातिल गार्ड को फौरन अपना हीरो बना लिया और पुलिस ने भी इस हुजूम के साथ साथ पैदल चलते हुए थाने तक का सफर तय किया। मकतूल बैंक मैनेजर इमरान हनीफ के चचा के मुताबिक गार्ड अहमद नवाज ने बैंक से निकाले जाने पर उनके भतीजे को कत्ल किया है। वो कहते हैं, हम कादियानी नहीं बल्कि सच्चे आशिक रसूल हैं और हमारे खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। इमरान हनीफ बैंक मैनेजर कैदाबाद मेरा सगा भांजा है, जिसको गन मैन ने फेर मारा है और जाती रंजिश की बिना पर मारा है और ये शो कर रहा है कि भाई ये आशिक रसूल ना है, ये सब गलत है। मैं अल्फन कहता हूँ कि हम सच्चे आशिक रसूल हैं और हमारा कादियानियों से कोई तल्लक ना है, लिहाजा ये सही तहकीकात की जाए और इसका सामने जुर्म सामने लाया जाए और इसको गिरफ्तार किया जाए। मकतूल बैंक मैनेजर इमरान हनीफ की फेसबुक प्रोफाइल पर नजर डाली जाए या इनकी तस्वीर को देखा जाए तो कहीं से भी आप इन्हें गुस्ताख साबित नहीं कर पाएंगे। मकतूल इमरान के प्रोफाइल पर बायकॉट फ्रांस भी लिखा देखा जा सकता है, यानी वो तो खुद गुस्ताखों के खिलाफ खड़े थे। दोस्तों, कातिल गार्ड अहमद नवाज ने 4 महीने पहले अपने ही बैंक के गार्ड का गला दबाकर मारने की भी कोशिश की थी। स्टाफ ने मदाखलत की तो इसकी जान बची, जिस पर नेशनल बैंक कायदाबाद के मैनेजर ने इसे बैंक से फारिग कर दिया था। इसके बाद सियासी असर और रसूख से यह कातिल दोबारा बैंक में बहाल हुआ। कातिल का बैंक में ना सिर्फ स्टाफ बल्कि आने जाने वाले दूसरे लोगों से भी किसी न किसी बात पर अक्सर झगड़ा होता रहता था। 4 दिन पहले बैंक मैनेजर के भाई से भी कातिल गार्ड का झगड़ा हुआ था। जाती झगड़े, बदतमीजी, बद अखलाकी गार्ड मौसूफ का वतीरा है। बैंक मैनेजर मलिक इमरान हनीफ खुद एक इस्लामी जमात से मुंसलिक हैं और इस्लामी नुक्ता नज़र से एक सच्चे आशिक रसूल हैं। इसका सबूत घर में बनाया जाने वाला इस्लामी तालीमात के फ़रोग और दरसो तदारीस के हवाले से एक बच्चियों का मदरसा है। इसके अलावा बैंक मैनेजर मलिक इमरान ने 4 दिन पहले ही कायदाबाद की एक मस्जिद में 5,000 का अतिया एक गार्ड के जरिए भी भिजवाया था। बैंक मैनेजर मलिक इमरान पर हमला करने वाले कातिल गार्ड अहमद नवाज की बातों को तौहीन रिसालत से जोड़ना इंतहा की जहालत है। लेकिन पाकिस्तान में अब मुकम्मल अंधेर नगरी है और कानून नाम की कोई चीज़ अब इस मुल्क में मौजूद नहीं है। यहाँ कोई भी कभी भी जाती दुश्मनी में गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा के आपको कत्ल कर सकता है और भले जुर्म आप पर साबित हो या ना हो, कातिल हीरो ही रहेगा और आपके घर वाले सारी ज़िंदगी सफाइयाँ देते फिरेंगे, मगर कोई मानने वाला नहीं होगा। यहाँ तक कि आपका जनाजा भी मशकूक समझा जाएगा और आपकी कब्र पर दुआ करना भी आपके घर वालों के लिए महाल होगा। जिन लोगों ने पाकिस्तान में नफरतों और शिद्दत पसंदी के बीच बोए हैं, उन्हें कठेरे में नहीं लाया गया और अगर पाकिस्तान की ज़मीन को जहरीला करने वालों से कानून ने सवाल नहीं किया और पाकिस्तान में तालीम के जरिए लोगों की जहालत को ख़त्म नहीं किया गया तो अनकरीब पाकिस्तान की तबाही पर दुश्मन खुशियाँ मना रहे होंगे।